हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये एक नए टाइप का कैप बताने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने पूरा तैयार कर लिया है। छोटे छोटे बच्चे कुछ ऊन में से मैंने बनाया है इसको। आप देख सकते हैं सब डिफरेंट कलर्स इसमें लगे हुए हैं। तो ये मैंने बनाया है इसको। अब इसकी मैं आपको इसका थोड़ा सा वो बता देती हूँ, कितना मैंने लिया है, क्या किया है। पहले समझा दूँ मैं थोड़ा सा, फिर आपको बता देती हूँ उसमें। अब जैसे ये कैप है फ्रेंड्स गर्ल्स के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसकी जो जैसे ये कैप है फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ आपको, ये इसका बॉर्डर हुआ और ये इसका टॉप बनेगा, ठीक है। अब इस तरह से बनेगा। अभी तो ये बना नहीं है, तो अभी हमने इसको स्ट्रेट बुन लिया है, ऐसे ऐसे तैयार किया है हमने इसको। इस तरह से तैयार किया है, ठीक है। अब इसका ये समझाती हूँ मैं। जैसे कि आपका ये ये आपका सिर है, ठीक है। ये है, अब आपको जो है ये आपके कान है। आपको यहाँ कान के ऊपर से और यहाँ से नीचे से ऐसे लेते हुए, ऐसे आईब्रो के ऊपर से लेते हुए ऐसा नाप लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा गोल सर्कमफ्रेंस लेना है, इस तरह से नापना है। तो ये जो है मुझे 23 रखना है, ठीक है। ये वाला 23 इंच रखना है। और यहाँ से जैसे कि ये आपका या आपके आईब्रोज है, तो यहाँ से आपका बैक तक, ये जैसे आपका आपका सिर है समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको नाप लेना है। तो ये वाला मेरा 10 इंच है, ठीक है। तो इस तरह से आप नाप ले लोगे, जैसे कि साइड से देख लो आप, जैसे ऐसा है आपका, ठीक है। ये आपका सिर है, तो आप ये वाली गोलाई पूरी ले लोगे ऐसे, नीचे यहाँ गर्दन के पीछे से ऐसा ऐसा पूरा आप ले लोगे, ठीक है। ऐसा पूरा आ जाएगा आपका। और एक ये वाला ले लोगे यहाँ तक, ठीक है, समझ गए। इस तरह से लेना है आपको। तो ये वाला जो है मेरा, जो पूरा ये अब मेरा आना चाहिए 23, या तो उससे बड़ा भी होगा तो चलेगा। और ये वाला जो है, मतलब ये पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन हेड के बीच तक पीछे और सामने आईब्रो के ऊपर तक, ऊपर से, तो ये मेरा 10 इंच है, ठीक है। अब ये बाद में ये तैयार होगा। ये वाला तो हमारा, ये जो लंबा वाला पार्ट है वो तैयार हुआ है अभी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसको नाप लेते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने इसका, इसको समझा देती हूँ। ये मैंने 20-20 फंदे लिए हैं फ्रेंड्स, 20-20 फंदे लिए हैं ये, ठीक है। अलग अलग कलर्स में मैंने बुना है इसको। और ये अभी मेरा ये 9 इंच बना है, तो ये चल जाएगा मेरे को, क्योंकि इसमें अभी बॉर्डर भी आ जाएगी। बॉर्डर को छोड़ के समझ लीजिए, बॉर्डर 2 इंच की बॉर्डर बनी जाएगी मेरी, ठीक है। तो ये 9 इंच तैयार हुआ है मेरा। और इसको देख लेते हैं कितना है ये। यहाँ से एकदम स्टार्टिंग से लेंगे, यहाँ से ये 22 है, लेकिन स्ट्रेच होके ये 23 तक हो जाएगा। तो ये परफेक्ट है मेरा जो बन गया। अब ये फ्रेंड्स ये बन गया, ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है। ये वाला जो है पोर्शन मेरा पूरा बन गया, ठीक है। ये पूरे सिर पे आ जा रहा है, नाप के देख लिया है मैंने। अब इसमें क्या किया है मैंने, यहाँ पे इसको जोड़ दिए हैं पूरे, अलग अलग बना बना के ऐसे अलग अलग बुन लिए थे मैंने, और उसके बाद इनको जॉइंट कर लिया है, ठीक है। पूरे जोड़ लिए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने।
तो उसमें आपको देख लेना है कितनी पट्टियाँ आ रही है और कितना मेजरमेंट हो रहा है, ये आप अपने जिसके लिए बना रहे हैं उसके हिसाब से आप ले लोगे। अब ये बना लिया फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने यहाँ फंदे उठा लिए हैं, ठीक है। मुझे जितने फंदे चाहिए हैं उतने मैंने यहाँ ले लिए हैं, ठीक है। फंदे लेने के बाद अब मैं इसका बॉर्डर डाल रही हूँ, तो ये बॉर्डर का मैं आपको बता देती हूँ कैसे बुन रही हूँ मैं। इसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है, धागा आगे लिया, एक फंदा उठाया, एक ऐसे बना दिया, धागा आगे लिया, एक फंदा उठाया, फिर एक ऐसा बुन लिया, फिर धागा आगे लिया, एक फंदा उठाया, एक ऐसा बुन लिया। इस तरह से पूरी लाइन चलेगी। ये अलग अलग कलर में बुनूंगी मैं बॉर्डर भी, प्लेन में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पूरे डिफरेंट डिफरेंट में बनाए तो उसके उससे मैचिंग में वो भी बनाऊंगी उसका। इसके बाद क्या करना है, बॉर्डर में अभी बना लूंगी फ्रेंड्स थोड़ा चौड़ा, फोल्डिंग वाला भी आप कर सकते हो कि बहुत चौड़ा बना लिया उसको फोल्ड कर लिया, वो भी बहुत सुंदर लगता है। अभी मैं देखती हूँ ऊन मेरे पास कितना है, उस हिसाब से मैं आपको बना के बता दूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पूरा बना लेना है इसको। दो दो लाइन की हम कर देंगे, एक एक कलर में दो दो लाइन हम बुन लेंगे। जैसे अभी मैं वाइट से बुन रही हूँ, इसके बाद दूसरा कलर लगा दूंगी। इसमें जितने कलर लगे हैं फ्रेंड्स यही कलर लगा दूंगी मैं, तो क्या है बहुत सुंदर लगेगा इससे मैचिंग। चाहे तो आप प्लेन भी डाल सकते हो, लेकिन मैं वैसा बना रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर पॉम पॉम भी लगाऊंगी वो डिफरेंट कलर का, अलग अलग कलर्स के। अभी ये हो गया फ्रेंड्स, अब सीधी लाइन देख लीजिए। अब यहाँ पे आपका सीधा आया तो आप, उल्टा आया तो उल्टा आपने बुन लिया। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये दो आए ना फ्रेंड्स, इन दोनों को इस तरह से बुन लेना है, फिर एक उल्टा धागा पीछे करके इन दोनों को एक साथ ऐसे, फिर एक उल्टा। ये थोड़ा बढ़ जाएगा तो पता चलेगा, अभी पता नहीं चल रहा है, बहुत सुंदर आएगा ये। एक उल्टा और ये दो एक साथ, एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर ये दो एक साथ सीधा, फिर एक उल्टा। उल्टा को उल्टा ही बुनोगे, इस बार उठाना नहीं है, फिर उल्टे में वैसे ही करना है अभी जैसे बनाया बताया था मैंने। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम बॉर्डर बुन लेते हैं जितना चौड़ा हमें चाहिए, उसके बाद मैं इसको पूरा जोड़ना मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स ये बन गया, देखिए बॉर्डर इसका ये बना लिया मैंने, बहुत सुंदर लग रहा है ये, कलरफुल। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हम पूरा जोड़ कर देंगे, ये साइड्स जोड़ देंगे, और इसको जोड़ के फिर मैं ऊपर का बताती हूँ। और ये मैं ये पॉम पॉम बना रही हूँ फ्रेंड्स, अभी इसको रोल करके रखा है, इसको पूरा काट लेती हूँ, काट रही थी मैं अभी, बड़ा सा बनाया मैंने ऊपर लगाने के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा उसको बनाने में क्योंकि अभी तो काट ही रहे हैं, फिर पूरा गोल करके इसको अच्छे से काटना होगा सारा। ये एक साइड हो गया फ्रेंड्स, अभी ये दूसरा साइड भी काट लेंगे इस साइड में। पूरे जो रंग बचे थे फ्रेंड्स उसको मैंने हाथ में लपेट लिया था, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे लपेटा था मैंने। चाहे तो आप कोई कार्डबोर्ड में भी लपेट सकते हो इसको रख के। अब जैसे ये हो गया फ्रेंड्स, इसको बराबरी में काट लेंगे पूरा पूरा, इसको अच्छे से काटना है ऐसे बराबरी से।
इसकी कटिंग करके और इसको सिल के फ्रंट साइड, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको साइड सिल लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, इसको काट के थोड़े साइड्स काट दिया मैंने। फिर इसको ऐसे अच्छी तरह फैला लेना है आपको, और यहाँ पे ऐसे आप इसको ऐसे पूरा प्लेन खींच के, सारे रेशो को ऐसे खींच खींच के आपको इसकी कटिंग करनी है ऐसे अच्छे से। जितने छोटे बड़े हैं वो सब एक जैसा करना है। जब पूरा कट जाएगा फिर हम उसको फैला के देखेंगे, गोला बना के, सही दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर कटिंग करेंगे, जब तक कि एकदम गोल ना हो जाए। इसको ऐसे बार बार फैला लेंगे फ्रेंड्स, तो उससे हमें पता चलेगा छोटा बड़ा। फिर उसको हम काट लेंगे ऐसे, दोनों ओर से फैला लोगे आप। जो निकलता है निकलने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अच्छे से बांधा हुआ है। देखिए फिर से दिख रहे हैं, ये हो गया फ्रेंड्स। इसको अब फिर से काट लेंगे, और अभी इसको और काट के और घना कर सकते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा और कटिंग कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। ये फ्रेंड्स बन गया, देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। देखिए इसको ऐसे आप झटक दोगे तो और खिल जाएगा पूरा। ये हमारा तैयार हो गया टोपी में लगाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ा सा बनाया मैंने। अब इसको सिल लेते हैं। इसको सिलना स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स, मैं इसको सिल के फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे, नीचे से यहाँ से सिलेंगे फ्रेंड्स। अब कोई एक ले लेंगे, या तो ब्लैक धागा ले लेंगे या तो वाइट ले लेंगे। कोई एक धागा ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। चलो ये साइड सिल दिया है फ्रेंड्स पूरा, ये गोला बन गया देखिए इस तरह से। अब इसको हमने ये टॉप में चुन्नट डालना है, जो कि मैं डालना स्टार्ट किया है। देखिए बस सीधा आपको कच्चा चलाना है इसमें इस तरह से। ऐसे इस तरह से यहाँ से हमने शुरू किया है ग्रीन वाले से, और यहाँ जो धागा था वो लिया है हमने। अब ये हो गया फ्रेंड्स, जितना हो सके आप इकट्ठा कर लो इसको, जितना टाइट कर सको एक जगह, तो उतना हम इसको कर लेंगे। और फिर यहाँ धागा बंद करके फिर पूरा और अच्छे से सिल लेंगे इसको। फ्रेंड्स ये हो गया, अब इसको ऐसे बंद कर देंगे, जॉइंट को पीछे रख देंगे। कोई भी जॉइंट रख सकते हो आप, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, सब एक जैसे बन गया है, तो ऐसा रख लेते हैं। रख के और आपको ऐसे क्रॉस वाइज जोड़ेंगे सल फ्रेंड्स, तो ये इकट्ठा हो जाएगा एक जगह। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स इसको पूरा जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। ये फ्रेंड्स देखिए हो गया। अब इसको मैंने यहाँ से अंदर से जो धागा था वो इसके सेंटर में डाला है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर दोबारा आप डालोगे, टोपी के साथ सुई निकाल के, और फिर आप यहाँ से सुई निकालोगे
एक दो बार फिर इसको कर लेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए। एकदम फिक्स बैठ जाना चाहिए फ्रेंड्स ये, ताकि खुले ना, ऐसा हमने फंसाना है इसको। ये बैठ गया है फ्रेंड्स, देखिए अच्छे से। अब इसको यहाँ पे हम बंद कर देंगे, यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे इसको, और फिर पूरे ऊन वून सब क्लियर करके काट वाट के फिनिशिंग कर लेंगे इसका। अभी मैं बताती हूँ फ्रेंड्स आपको। अब ये तैयार हो गया फ्रेंड्स हमारा टोपा, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है ये, ये पूरा रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस पहन सकते हैं इसको। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स ये, आप भी बनाने की कोशिश कीजिए इसको। छोटे छोटे ऊन से बन जाएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा ऊन की ज़रूरत नहीं है इसमें, जो बच्चे कुचे ऊन आपके पास पड़े होंगे उससे ये तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत टॉप, ये कैप है गर्ल्स के लिए, बहुत अट्रैक्टिव भी लग रहा है ये, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया बॉर्डर भी बन गया इसका मैचिंग, बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स देखिए। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसा लगा आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।